वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी इन दिस पीडियो वी विल लर्न वट इज़ काउंसिलिंग साइकोलॉजी एंड वट इज़ फॉरेंसिंग साइकोलॉजी इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड और ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्या इसके लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये कौन से इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स डॉक्टर डिग्री पीएचडी, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी और इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डिसीजन लेता है डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कौन से डिसीजंस को ले सकता है कोई भी डिसीजन हो लाइफ का डिसीजन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन एजुकेशन वोकेशनल मैरिज कोई भी डिसीजन लेना हो हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरह से डिसीजन लेंगे पर्सन को हेल्प आउट करते हैं कि आपको अपनी लाइफ का डिसीजन किस तरह से लेना है यहाँ पे हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं सपोज़ एक पर्सन है एक स्टूडेंट है वो जैसे ही स्कूल से पास आउट होता है वो देन एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है जब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है उसके पास बहुत सारी फील्ड्स आगे उसको नज़र आ रही होती हैं एफएससी, आईसीएस, आईकॉम एंड सिंपल एफ अब वहाँ पे स्टूडेंट स्टिल कन्फ्यूज़ होता है कि कौन सा कैरियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा कौन से कैरियर मेरे लिए बेस्ट होगा इसके साथ साथ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं वो पहले तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके साथ साथ स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बाद वो आगे स्कोप को भी देखते हैं कि किसका ज़्यादा स्कोप है किसकी डिमांड ज़्यादा है इन फ्यूचर फ्यूचर में जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वही ही फील्ड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है काउंसिलिंग साइकोलॉजिस्ट फिर एक फ़ील्ड सजेस्ट करते हैं जो के जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड भी होती है और इसके साथ साथ उसके स्कोप और उसकी जो लिमिटेशंस हैं आगे फ्यूचर के अंदर जो उसका आ, उसका स्कोप है उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही पर्सन को गाइड कर रहे होते हैं जबकि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं ये जस्ट टॉक थेरेपी ही करते हैं ये पर्सन के साथ इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करवाते हैं और हम वो फिर आपको कैरियर के रिलेटेड कोई भी डिसीजन है उसमें आपको गाइड करते हैं जबकि हम बात कर रहे थे क्लिनिकल साइकोलॉजी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जस्ट आपकी जो एंग्जाइटी uh, है स्ट्रेस है इमोशंस Uh, या कोई भी डिप्रेशन हो सकता है इन इश्यूज को ही रिजॉल्व कर सकती है बट जो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन इश्यूज को नहीं रिजोल्व कर सकते करते वो, करती क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी टॉक थेरेपी ही है बट वो डिप्रेशन uh, और स्ट्रेस वाले इश्यूज को रिजोल्व करती है लेकिन जो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं ये भी टॉक थेरेपी ही करते हैं इंटरव्यूज एंड सेशनस ही कंडक्ट करवाते हैं बट साइकोलॉजिस्ट हेल्प आउट करती है पर्सन को कि वो अपनी लाइफ में किस तरह का डिसीजन लेंगे कौन सा डिसीजन उनके लिए सूटेबल होगा इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज कहाँ पर देते हैं स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बेसिकली ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपने अगर एडमिशन लेना हो तो उसके साथ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आपको आपके कैरियर से रिलेटेड आपको हेल्प आउट करता है और ये अपनी सर्विसेज़ मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो जस्ट आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ही आपके कैरियर से रिलेटेड डिसीजन में ही हेल्प आउट करते हैं जितने भी आपके हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन होते हैं ये उसमें भी एक्सपर्ट होते हैं तो ये इसके साथ साथ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो भी होते हैं वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो मेंटली सिचुएशन uh, है उसमें आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए कौन सा डिसीजन उस टाइम के लिए आपके लिए सूटेबल होगा हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन उसमें भी पर्सन को हेल्प आउट करते हैं इसके बाद हम फोरेंसिंग साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं कि फोरेंसिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होती है किन पर्सनस को हैंडल आउट करती है और क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है फोरेंसिंग साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड्स सर्विसेज पुलिस एंड लायर्स सपोज एक पर्सन है वो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता है कोई भी क्रिमिनल uh, इशूज के साथ होता है वो अरेस्ट हो जाता है अब जो ये फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि पर्सन कहीं मैंटली इल तो नहीं था जिसकी वजह से उसने ये ये कदम उठाया ये उसने इशूज तक वो पहुंचा देन डिसाइड करते हैं कि पर्सन के साथ क्या सलूक होना चाहिए अगर तो वो मैंटली इलनेस होगा तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं बल्कि उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल हॉस्पिटल वगैरह में भेज दिया जाएगा लेकिन अगर वो पर्सन मेंटली बिल्कुल ठीक है फिर भी उसने uh, कोई क्रिमिनल इशू किया है तो फिर इस कंडीशन में वो पर्सन की पनिशमेंट ही होगी बेसिकली फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ये डिसाइड करेंगे कि इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और ये अपनी सर्विसेज पुलिस एंड लॉयर्स को प्रोवाइड करते हैं सो so गायस ये थी हमारी आज की वीडियो होप सो so, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल